हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल फोन फिक्स हैदराबाद। दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे रेड बटन दबा के सब्सक्राइब कर लीजिए, बाजू में बेल आइकन को दबा लीजिए। क्योंकि फ्रेंड्स, बहुत सारे नए नए टॉपिक्स पर अभी वीडियोस आ रहे हैं फोन फिक्स हैदराबाद के यूट्यूब चैनल पर और फोन फिक्स हैदराबाद के न्यू फोन फिक्स हैदराबाद चैनल पर। तो फ्रेंड्स, जैसे आपने थंबनेल देखकर समझ गए होंगे, आज मेरे पास एक वीवो का हैंडसेट है। जैसे आप देख सकते हैं, ये एक स्टूडेंट है हमारे मेवात हरियाणा से, वो अपने साथ ये सेट लेकर आए हैं। तो इसमें प्रॉब्लम ये फ्रेंड्स, लाइट का प्रॉब्लम है, जैसे मैं अभी आपको बताऊंगा। तो इसको हम पूरा ए टू जेड सोल्यूशन आपको देने वाले हैं। अभी जितने वीडियोस आप फोन फिक्स एचवाईडी के चैनल पे देखेंगे, पूरा का पूरा आपको उसमें फुल सोल्यूशन मिलने वाला है। तो बेसिक से लेके शुरुआत से लेके आखिर तक पूरा हम चेकिंग बताएंगे आपको, क्या क्या चेक करना है। इस प्रोसेस से अगर आप पूरा देख लेंगे बगैर स्किप किए, थोड़ा भी बगैर भगा करके वीडियो अगर फॉरवर्ड किए बगैर अगर आप देखेंगे, तो 100% किसी भी एंड्रॉयड मोबाइल, चाहे 4G हो 5G हो, क्योंकि ये सर्किट आपको 5G हैंडसेट में भी मिलने वाला है। बहुत सारे रेनो, नार्जो और वीवो, ओप्पो, एमआई के काफी सारे सेटों में यही वाला सर्किट मिलने वाला है आपको। तो हजारों रुपए आप ये एक वीडियो से कमा सकते हैं फ्रेंड्स। अगर आपको थोड़ा सा भी इस वीडियो से सीखने मिला, अगर आपने कभी हमारा वीडियो देखकर कोई हैंडसेट रिपेयर किया है, कुछ भी आपने अमाउंट कमाया है, तो जरूर नीचे कमेंट करके बताइए कि आपको हमारे वीडियो से कुछ फायदा हुआ कि नहीं हुआ। क्योंकि फ्रेंड्स, एक वीडियो बनाने के लिए काफी मेहनत लगती है, बहुत सारा डाटा तैयार करना होता है और रिसर्च करना होता है, वीडियो एडिटिंग करनी पड़ती है और पूरी टीम की इसमें मेहनत होती है। तो चलिए फ्रेंड्स, देर ना करते हुए मैं आज का वीडियो शुरू करता हूं। उससे पहले कहना चाहूंगा, अगर आप किसी भी इंस्टीट्यूट जा रहे हैं तो ये जरूर देखें क्या टीचर आपके हाथ से ब्लैक पेस्ट करा रहे हैं, क्या टीचर आपके हाथ से 4G CPU ऑन करा रहे हैं, क्या टीचर आपके हाथ से डबल डेकर बनाने लगा रहे हैं, क्योंकि ये सब कंडीशन आपके पास होनी चाहिए। और दूसरा, सर्किट डायग्राम आपको अपने हाथ से वो करवा रहे हैं कि नहीं करवा रहे हैं, पूरा डायग्राम बुक के अंदर ड्रॉ करा रहे हैं कि नहीं करा रहे हैं, सीरीज और पैरेलल कंपोनेंट, पुल अप पुल डाउन रजिस्टर क्या होता है, लॉजिक लो लॉजिक हाई क्या होता है, डीएसओ की स्विचिंग क्या होती है, डीएसओ का सिग्नल कैसे चेक करना है, सारा चीज आपको टीचर बता रहे कि नहीं बता रहे। देखिए, पावर सेक्शन, एलडीओ सेक्शन, बक लाइंस और पावर बूट सीक्वेंस सारा बता रहे कि नहीं बता रहे। एक सीपीयू को कैसे रीड करना है, एक ईएमसी को कैसे पढ़ना है, डबल पावर हो या ट्रिपल पावर हो, वो आपको बता रहे कि नहीं बता रहे। एक एक लाइनों के बारे में आपको बता रहे कि नहीं बता रहे, जरूर देखिए। किसी भी इंस्टीट्यूट जा रहे हैं तो ऐसी जगह पे जाइए जहां पे कम से कम बच्चे हो। आप देखिए, फोन फिक्स हैदराबाद में सिर्फ 15 से 20 स्टूडेंट ही हम लोग लेते हैं। यहां पे हमारे पास काफी सारे कॉल्स आते हैं, हम नेक्स्ट बैच में उनको बुक करते हैं, क्योंकि 40 50 60 बच्चों को बिठा लेंगे क्लास में तो टीचर तो काम कर लेंगे, टीचर का काम तो आपको अच्छा लगेगा, लेकिन जब आप दुकान में अपने काउंटर पे बैठोगे, जब प्रॉब्लम आपके हाथ में आएगा, तो आप उस टाइम पे आपको थाली नहीं मारनी होगी। इंस्टीट्यूट में तो आप थाली मार रहे हैं, लेकिन जब आप काउंटर पे बैठेंगे तो खुद काम करना होता है, खुद से ट्रेसिंग करनी आनी होती है आपको। बहुत सारे डायग्राम्स नहीं होते हैं मार्केट में, तब क्या करेंगे आप दोस्तों? किसी का भी डाटा लेके काम कर रहे हैं, किसी का टूल लेके काम कर रहे हैं, किसी का आप एप्लीकेशन लेके काम कर रहे हैं, किसी के वीडियोस लेकर आप काम कर रहे हैं, कब तक काम करेंगे? कब तक? क्या सेम प्रॉब्लम आपके पास आएगा? प्रॉब्लम कहीं से भी आ सकता है, प्रॉब्लम आपको 10 स्टेप सारे के सारे चेक करने आना चाहिए, तब जाकर के आप रिपेयर कर सकते हैं। तो यहां पे एक लाइट सेक्शन है जो कि वीवो का Y12 हैंडसेट है, इसको मैं लाइव रिपेयरिंग कर रहा हूं। पूरा देखिए, स्टेप बाय स्टेप चेकिंग करेंगे क्या प्रॉब्लम है, कैसे चेक करना है। देखिए, ये मैं रिपेयर कर रहा हूं मैं हैंडसेट, तो यही प्रॉब्लम आपके पास नहीं आएगा, लेकिन मैं सारे स्टेप्स आपको बता देता हूं कहां कहां पे क्या क्या चेक करना है, हो सकता है बहुत कुछ आपको इसमें सीखने मिले। तो चलिए फ्रेंड, देर ना करते हुए शुरू करते हैं हम आज का वीडियो। तो फ्रेंड्स, यहां पे मैं एक बार बताना चाहूंगा, ये देख सकते हैं वीवो का हैंडसेट है और इसमें मैं आपको चार्जर भी लगा के बताना चाहूंगा। देख सकते हैं चार्जर मैंने लगा लिया है, तो और यहाँ पे 0.7 एक एम्पियर के आसपास जा रहा है, देख सकते हैं चार्जिंग इसने उठा ली है। और यहाँ पे अगर आप देखोगे, थोड़ा थिनर भी लगा के बताना चाहूंगा मैं, तो यहाँ पे चार्जिंग का परसेंटेज आ रहा है, तो थोड़ा खरीब से बताना चाहूंगा मैं। एक बार डीसी में भी बताऊंगा अभी ऑन करके कि हैंडसेट हमारा ऑन हो रहा है, वाइब्रेट भी हो रहा है, तो इसमें आपको बैटरी से समझ में नहीं आएगा, डीसी से बता देता हूं। सबसे पहले आपको लाइट सेक्शन में ये देखना है कि मोबाइल आपका ऑन है कि नहीं है, क्योंकि कस्टमर जो है बंद मोबाइल भी ला करके हमको दे देते हैं और उसके बाद हम समझते हैं कि हमारा हैंडसेट ऑन है। तो यहाँ पे एक बार डीसी से मैं कनेक्ट करूंगा, तो यहां पे देख सकते हैं
अभी वाइब्रेट हो गया हैंडसेट मेरा, और यहाँ पे डीसी में आप देखिए ये ऑन हो चुका है हैंडसेट। और अभी मैं लाइट के नीचे बताऊंगा, वीवो भी आपको दिखेगा या स्विचिंग से आप अंदाजा लगा सकते हैं। और एक बार ये देख सकते हैं वीवो आपको दिख रहा है यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे लाइट वगैरह नहीं आ रही है, देख सकते हैं ब्राइटनेस पूरा डाउन है, डल है इसमें। ऐसा नहीं है कि ब्राइटनेस का प्रॉब्लम है, ये जो प्रॉब्लम है हैंडसेट में प्रॉब्लम है। तो फ्रेंड्स हमारा हैंडसेट तो ऑन है, और अब हम इसमें स्टेप बाय स्टेप चेक करेंगे। डिस्प्ले जो है ऑलरेडी फोल्डर हमारे स्टूडेंट दूसरा लगा के देख लिया है, प्रॉब्लम जो थी इनकी सॉल्व नहीं थी, क्योंकि डिस्प्ले तो इनका खराब, डिस्प्ले इनका ओके है, बोर्ड में फॉल्ट है। तो हम देखेंगे स्टेप बाय स्टेप। तो चलिए अब मैं लेके चलता हूँ अपने लैपटॉप की ओर के इसमें कौन सा लाइट का आईसी है, अच्छे से देखिए। एक यूनिवर्सल आईसी है इसमें 6 लाख का, तो इसका हम स्टेप बाय स्टेप चेकिंग प्रोसेस देखेंगे, शुरू करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स यहाँ पे आप देख सकते हैं ये इसका डिस्प्ले का कनेक्टर पट्टा होता है जो ऊपर जाता है, और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये चार्जिंग का स्ट्रिप है, देख सकते हैं ये वाला। तो हमको जो चेक करना है इस वाले कनेक्टर पे चेक करना है। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि ये हमारा पत्ता सही है कि नहीं है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैं पूरा जूम करके बता देता हूँ आपको, पत्ता तो हमारा ओके है, कोई दिक्कत नहीं है, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो पत्ता हमारा ओके है। अब हम चेक करेंगे ये वाला कनेक्टर, इस पर कूल टेस्टिंग हॉट टेस्टिंग करनी है। तो बोर्ड हम बाहर निकाल लेते हैं, तो यहाँ से ये भी निकाल लेते हैं बाहर, और मदरबोर्ड को हम बाहर निकाल लेंगे। तो ये हमारे पास कनेक्टर हो गया। तो ये देख सकते हैं फ्रेंड्स यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा, यहाँ पे आप एक देख सकते हैं पूरा ग्लू वगैरह लगा हुआ है। ये इसका जो है लाइट आईसी है, 6 लेख का लाइट आईसी होता है, एनालॉग लाइट आईसी, और एक डिजिटल इसका ग्राफिक आईसी है जो कि 15 वॉल का होता है। और ये इसका कॉयल होता है इनपुट में, वीपीएस सप्लाई यहाँ पे भी मिलती है हमको, और ये जो लाइट का जो बूस्ट कॉयल होता है ये भी है जो कि 4 और 6 के साथ जुड़ा होता है। इसका डायोड और लोड कैप इनमें से ही कोई एक होगा जो हम ट्रेस करेंगे तो पता चल जाएगा। और यहाँ पे जो है फ्रेंड्स 5 नंबर जो होती है इसकी पीडब्ल्यूएम पिन होती है, तो इसको हम चेक करेंगे। तो अब हमको पता नहीं है कि इसमें कौन सा इसका लाइट का एनोड सप्लाई है। कनेक्टर की बात करें फ्रेंड्स आप, तो यहाँ से देखोगे आप तो 17 पिन यहाँ पे है, और यहाँ से गिनोगे 18 से लेकर यहाँ तक तो 34 पिन, 17 17 यानी 34 पिन का ये कनेक्टर है। अब इसमें एनोड सप्लाई किधर है, कैथोड किधर है, सीएबीसी किधर है, एक एक लाइन हमको आईसी से ट्रेस करनी है। तो इसको ट्रेस करने से पहले हम आ जाते हैं हमारे लैपटॉप की ओर, और लैपटॉप में बताना चाहूंगा ये देख सकते हैं 6 लेख का लाइट आईसी का हमने यहाँ पे डायग्राम बना लिया है। ये वीवो Y12 का भी है और यूनिवर्सल मेथड है। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे, क्योंकि इसका डायग्राम तो है नहीं तो उसको करना कैसे है, तो स्टेप बाय स्टेप आपको चेक करना है। आईसी से ट्रेसिंग कर सकते हैं आप, क्योंकि वीवो के डायग्राम्स आपको मार्केट में मिलते नहीं है, इसीलिए हम ये सॉल्यूशन के साथ आपको पूरा वीडियो दे रहे हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे सबसे पहले आप देखोगे डीसी टू डीसी से कॉयल और कैप होकर के कोई सीरीज में कॉयल मिल सकता है, रजिस्टर मिल सकता है, एक कैप मिल सकता है पैरेलल में। उसके बाद ये सप्लाई हमको 6 नंबर पिन में जानी चाहिए। तो आईसी का 6 नंबर पिन देखने के लिए एक बार इसको हम यहाँ पे थोड़ा सा साफ कर देते हैं। पहले तो नोज कट पॉइंट देखना होगा आईसी का, तो आप नोज कट पॉइंट देख सकते हैं, 1 नंबर यहां पे होता है ऊपर, 2 3 उसके बाद 4 5 6 इस तरह से ये एंटी क्लॉकवाइज काउंटिंग होती है। तो 6 नंबर जो पिन होती है यहां पे होती है, देख सकते हैं ये वाली जो पिन है इसकी 6 नंबर पिन है। तो यहाँ पे हमको पहले 4 वोल्टेज चेक करना है जैसा कि यहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद एक बूस्ट कॉइल के थ्रू ये 4 नंबर में स्विचिंग के लिए चला जाता है एसडब्ल्यू लाइन में, मतलब जो वीपीएच वोल्टेज आपका सबसे पहले यहाँ पे आएगा, उसके बाद ये कॉइल से होकर के इस साइड से यहाँ पे 4 नंबर पिन जो है आईसी की यहाँ नीचे होती है, क्योंकि 3 के बाद यहाँ नीचे 4 के साथ कनेक्ट होता है। और यही लाइन हमारी यहाँ पे डायोड के एनोड सिरे से कनेक्ट होती है, और इसके कैथोड से होकर के ये सप्लाई कनेक्टर पे आ जाती है, और उसी को हम डायोड्स के एनोड से इन होगी, कैथोड से आउट होकर के एक लोड कैप मिलेगा और वो 35 से 50 वोल्ट का हो सकता है। उसके बाद ये सप्लाई हमारी डिस्प्ले के 2 नंबर पिन पे चले जाती है। मतलब अगर आप इसमें चेक करोगे तो ये जो सप्लाई है फ्रेंड्स आपकी इस वाले कनेक्टर यानी 2 नंबर पिन में आनी चाहिए। 2 नंबर जो है हमारा एनोड सप्लाई है, और अगर कैथोड की बात करें तो 33 और 34, तो कैथोड जो पिन होती है फ्रेंड यहाँ से आईसी के 1 नंबर से कनेक्ट होती है, और 33 और 34 यहाँ से लास्ट से
ये दो पिनें होती हैं 33-34 यहां तक कनेक्ट होनी चाहिए। इसके अलावा अगर आप देखोगे तो पीडब्ल्यूएम लाइन जो होती है हमारी 5 नंबर पिन के साथ कनेक्ट होनी चाहिए, यहां से आईसी के 5 नंबर से। इसमें जो कनेक्ट होगा वो 22 नंबर पिन, ये देख सकते हैं 22 नंबर हमारा पीडब्ल्यूएम सीएबीसी लाइन है और 34-33 कैथोड 1 कैथोड 2 है। तो 22 नंबर पिन अगर गिनेंगे आप, 17 के बाद में 18, 19, 20, 21, 22, तो यहां से ऊपर से 6 नंबर पिन जो है हमारी, ये हमारी पीडब्ल्यूएम लाइन है जो कि आईसी के 5 नंबर तक कनेक्ट होनी चाहिए। तो ये डाटा लेकर के आप किसी भी आईसी को बना सकते हैं। ऐसा बहुत कुछ डाटा हम लोग क्लास में स्टूडेंट को देते हैं। तो चलिए हम यहाँ पे कूल टेस्टिंग करते हैं और स्टेप बाय स्टेप देखते हैं कि हमारा क्या प्रॉब्लम इसके अंदर है। तो रेड प्रोब आपको ग्राउंड पे कर देना है और ब्लैक से चेक करना है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम ट्रैकें चेक करेंगे और ट्रैकें चेक करके देखेंगे क्या प्रॉब्लम है, क्या यहाँ पे VPH वोल्टेज आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो कूल टेस्टिंग में आप कनेक्टर भी देख सकते हैं, कनेक्टर तो साफ ही लग रहा है, कोई लूज कॉन्टेक्ट वगैरह नहीं है, देख सकते हैं। तो सबसे पहले ये जो हमारी नीचे से 2 नंबर पिन है, ये हमारी यहाँ पे देख सकते हैं एनोड की पिन है। तो चलिए हम 2 नंबर पिन पे आ जाते हैं। सबसे पहले मल्टीमीटर को बजर रेंज में रखना है और हम देख लेंगे इस लोड आईसी के 4 नंबर पिन डायोड और फिर लोड कैप से यहाँ तक कनेक्ट है कि नहीं है। सबसे पहले मैं एनोड सप्लाई देखना चाहूंगा। तो एनोड की पिन पे आप देख सकते हैं यहाँ पे 623 वैल्यू आ रही है, मतलब मेरा एनोड ट्रैक मेरा सही है। अगर आप देखोगे यहां से तो ये देख सकते हैं ये मेरा लोड कैप है। तो मैं यहां पे बताना चाहूंगा आपको, लोड कैप के साथ भी कनेक्टेड ही है मेरा लाइन। 2 नंबर पिन हमारा यहां से लेकर के ये लोड कैप तक कनेक्ट है, ये देख सकते हैं ट्रैक सही है हमारा। उसके बाद ये कॉइल से होकर के ये 4 नंबर पिन तक सप्लाई चले जाती है क्योंकि बीच में डायोड है इसके, तो डायोड तो अभी लगा हुआ है, कॉइल को भी चेक करने का भी कहीं पे ऑप्शन नहीं है। अगर ट्रैक ब्रेक होती अगर से यहां से तो यहां पे हमको ये जीआर नहीं मिलता, इसका मतलब यह है कि ट्रैक सही है, हम बैटरी लगाकर यहाँ पे 4 वोल्टेज भी डायरेक्टली चेक कर सकते हैं। चलिए एनोड ट्रैक तो हमारी सही है, अब चेक करते हैं कैथोड। कैथोड जो है फ्रेंड्स आपका आईसी के 1 नंबर से होकर के 33 और 34 में आना चाहिए और यहां पे क्योंकि 6 लेग का आईसी है तो इसमें हमको ग्राउंड के साथ बीप मिलनी चाहिए। चलिए देख लेते हैं क्या मिल रहा है। तो यहां से 34 जो है आपको देख सकते हैं कोई जीआर भी नहीं मिल रहा है, कोई वैल्यू भी नहीं मिल रही है जैसा कि आप देख सकते हैं। और 33 में भी अगर देख लो तो कोई जीआर, ये देख सकते हैं बजर रेंज में ही रखा हूं मैं, मल्टीमीटर तो सही है मेरा बट यहाँ पे कोई बीप नहीं आ रही है, मतलब यहाँ से ग्राउंड मिसिंग है और साथ ही साथ कोई वैल्यू भी नहीं मिल रही है। तो ये देख सकते हैं यहाँ से कैथोड के दोनों ट्रैक है मिस है। उसके बाद अगर हम चेक करेंगे तो 22 नंबर पिन जो है हमारी यहाँ से ऊपर से 6 नंबर पीडब्ल्यूएम लाइन होती है हमारी सीएबीसी की, 18, 19, 20, 21, 22। तो 22 में आप देख सकते हैं 623 के आसपास, 648 मतलब 40 के आसपास वैल्यू मिल रहा है, मतलब 5 नंबर के साथ ये कनेक्ट होनी चाहिए। तो यहाँ पे हम एक बार 5 नंबर के साथ कनेक्ट है कि नहीं ये देख लेते हैं। देख सकते हैं यहां से ट्रैक सही है हमारा, ये भी सही है ट्रैक, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो पीडब्ल्यूएम भी हमारा कनेक्टेड है, जीआर भी मिल रहा है, ट्रैक भी सही है। अगर हम कैथोड की बात करें फ्रेंड्स, यहां से कैथोड आपका आईसी के 1 नंबर तक कनेक्ट होना चाहिए। तो चलिए देख लेते हैं, यहां से आईसी के 1 नंबर पिन से लेकर यहां तक हमको बीप आनी चाहिए। तो ये देख सकते हैं 1 नंबर पिन से कोई यहाँ पे कंटिन्यूटी नहीं है, ये देख सकते हैं यहाँ पे, यहाँ से कोई कंटिन्यूटी नहीं है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स कैथोड का पिन में हमको एक फॉल्ट मिला कि ना तो यहाँ पे बजर मिल रहा है ना तो कोई जीआर मिल रहा है। एक तो ये जरूर, ये तो समझ में आ गया कि कैथोड की जो ट्रैक है यहाँ पे 33 और 34 दोनों पे ट्रैक आनी चाहिए और बीप आनी चाहिए, ग्राउंड नहीं मिल रहा है। तो अब यहाँ पे अगर 1 नंबर पिन अगर आप देखोगे फ्रेंड्स तो 1 नंबर के साथ यहाँ पे एक रेजिस्टर होना चाहिए 0 ओम्स, 5 से 10 ओम्स का।
तो यहां पे मैं बताना चाहूंगा, देख सकते हैं फीडबैक की जो पिन है हमारी, डिस्प्ले लगने के बाद यहां पे आपको ये जो ग्राउंड का जो लाइनें होनी चाहिए, और यहां पे एक 0 ओम्स का रजिस्टर होना चाहिए, 5 से 10 ओम्स का एक रजिस्टर होना चाहिए जो कि अभी मिस है, और उसी रजिस्टर से यहां पे ग्राउंड मिलता है इसको, क्योंकि इसको रिपेयर करने की कोशिश की गई होगी। तो यहां पे रजिस्टर तो मिस है, ये डालने के बाद हम चेक करेंगे क्या हमारा यहाँ पे कोई वैल्यू वगैरह आता है या बीप वगैरह आता है कि नहीं आता है, सबसे पहले ये देखेंगे, क्योंकि यहाँ से ट्रैक तो हमारा कोई कंटिन्यूटी नहीं है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम एक रजिस्टर लगाएंगे, तो यहाँ पे हो सकता है आईसी कॉइल वगैरह ऑलरेडी सब चेंज करके देख लिया हो, तो यहाँ पे एक रजिस्टर लगाएंगे। तो 5 से 10 ओम्स का रजिस्टर हमको डालना है, तो उसको हम किसी और मदरबोर्ड से निकालेंगे, स्क्रैप बोर्ड से। ये यहाँ पे आप देख सकते हैं एक नंबर पिन यहाँ पे इसकी ऊपर है, तो ये स्क्रैप बोर्ड से हम निकाल लेते हैं। सबसे पहले हमको देख लेंगे कि 5 से 10 ओम्स का रजिस्टर जो है यहाँ पे आईसी के पास में मिल जाता है। यहाँ पे चेक कर लेते हैं एक बार, यहाँ पे एक बार ये ऊपर वाला भी देख लेंगे। तो ये है हमारा 5 ओम्स का रजिस्टर, ये देख सकते हैं, बट इसमें बैठेगा कि नहीं बैठेगा वो भी देख लेते हैं। इसमें थोड़ा सा बड़ा है साइज में, तो चलिए कोशिश करते हैं इसको डालने की। ये जो ऊपर का जो देख रहे हैं आप, ये वाला रजिस्टर हमको निकालना है, तो उसके लिए थोड़ा सा हम यहाँ पे फ्लक्स डालेंगे, इसको शॉर्ट नहीं करना है, यही बहुत इंपॉर्टेंट है, यही बताना चाह रहा था मैं आपको, क्योंकि ब्राइटनेस कंट्रोल के लिए भी काम करता है, इसको नहीं निकालना है आपको। देख सकते हैं ये रजिस्टर हमने निकाल लिया है। स्क्रैप बोर्ड से एक रजिस्टर को निकाल लेते हैं यहाँ पर, और दूसरा जगह हम दूसरा रजिस्टर यहाँ पे डाल देते हैं। ये देख सकते हैं मेरे पास एक रजिस्टर है, इसको यहाँ पे डालेंगे, और डालने से पहले थोड़ा आयरन से इसको सही कर लेंगे ताकि एक ही बार में लग जाए नीचे जा करके। यहाँ पे रजिस्टर को शॉर्ट नहीं करना है, दूसरा ही डालना है, क्यों रीज़न होता है ये सारी चीज़ हम स्टूडेंट को क्लास में बताते ही हैं, क्योंकि ये रजिस्टर के थ्रू हमको ग्राउंड देना है, इसको डायरेक्टली ग्राउंड नहीं देना है यहाँ पर। तो चलिए यहाँ पे आप देख सकते हैं रजिस्टर हमने डाल दिया है। अब एक बार फिर से ट्रैक चेक करेंगे क्या हमारी ट्रैक यहाँ पे बनती है कि नहीं बनती है, क्योंकि ऊपर 33 और 34 नंबर तक हमको कंटिन्यूटी भी आनी है और जीआर वैल्यू भी आनी है। तो एक बार इसको क्लीन करके चेक करेंगे क्या यहाँ पे कोई जीआर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। मल्टीमीटर को बजर रेंज में रखेंगे, यहाँ पे बीप आनी चाहिए हमको क्योंकि रजिस्टर ग्राउंड के साथ होता है ये, तो एक बार चेक कर लेंगे। देख सकते हैं रजिस्टर में दोनों साइड अभी जीआर आ गया है। एक बार हम यहाँ से जो ट्रैक है हमारी
यहाँ से ट्रैक चेक कर लेते हैं, यहाँ तक देख सकते हैं अभी भी ट्रैक हमारा कोई कनेक्टेड नहीं है, तो एक बार जीआर भी चेक कर लेंगे। तो यहाँ पे कोई जीआर नहीं मिल रहा है कनेक्टर के 33 और 34 नंबर पे, देख सकते हैं ये भी ऑयल है अभी, यहाँ पे भी कोई जीआर नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे ट्रैक, यहाँ पे ब्रेक है इसका, यहाँ से एक नंबर के साथ यहाँ तक कंटिन्यूटी आनी चाहिए, बट ट्रैक यहाँ पे ब्रेक होने के कारण। तो एक बार आई स्कैनिंग करेंगे, जूम करके कनेक्टर को भी देखेंगे और आसपास सारा ट्रैक्स चेक करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो कैथोड पिन है इसकी, कैथोड की दो ट्रैकें यहाँ से होकर के, ये देख सकते हैं यहाँ से होकर के यहाँ आगे को जाती है और यहाँ से ये कनेक्ट होती है आईसी के इस वाले रजिस्टर के साथ। बट यहाँ पे आप देख सकते हैं ये पतरा सारा निकाला गया है, ये शील्ड, ये शील्ड निकालने के कारण यहाँ पे ट्रैकें टूट जाती है, बहुत जोर से निकाल देते हैं शील्ड वगैरह। तो अब हमको क्या करना है, इस रजिस्टर से यहां तक चेक करेंगे क्या बीप आ रही है, अगर बीप आती है तो यहां से इसको बस शॉर्ट कर देना है और हमारा कैथोड ट्रैक जो है वो सही हो जाएगा। तो यहां पे एक बार हम चेक कर लेते हैं रजिस्टर से यहां तक कि हमारा ट्रैक सही है कि नहीं है। तो मल्टीमीटर को बजर रेंज में रखना है और एक प्रोब आपको रजिस्टर पे रखना है, ये देख सकते हैं, और दूसरे प्रोब से आपको यहाँ पे चेक करना है, ये देख सकते हैं फ्रेंड्स यहां तक हमारी ट्रैक सही है। बट यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे ऑयल बता रहा है, क्योंकि ये जो शील्ड निकालने के टाइम पे इस तरह के ट्रैकें कट जाती हैं आसपास की, तो ये ट्रैक हमारी यहाँ पर कटी हुई है। तो जो जीआर वैल्यू हमको रजिस्टर के पास मिल रहा है, ये देख सकते हैं बीप के साथ 2 ओम्स, और इस तरफ भी देखोगे तो 5 ओम्स तक बता रहा है। तो एक बार मैं यहाँ पे भी आपको बताना चाहूंगा, ये देख सकते हैं। तो यहाँ पे हमको क्या करना है, इसके साथ ट्रैक मिलाना है। तो चलिए यहाँ पे एक जम्पर लगा लेते हैं, और जम्पर लगाने के लिए मैं सबसे पहले थोड़ा सा फ्लक्स कर देता हूँ। डायरेक्ट ग्राउंड नहीं करना है फ्रेंड्स, आप सोच रहे होंगे कि डायरेक्ट जम्पर भी कर सकते हैं, डायरेक्ट ग्राउंड भी कर सकते, क्यों नहीं कर रहे हैं, इसका रीजन होता है। तो यहाँ पे आप जम्पर करना है, या आपको इस ट्रैक को कंटिन्यूटी के साथ इसको इसके साथ मिलाना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे एक ट्रैक को इसके साथ हमको कनेक्ट कर देना है। तो यहाँ पे मैंने ट्रैक को मिला दिया है, अगर आप चाहो तो जम्पर भी कर सकते हैं। अब एक बार हम यहाँ पे 33 और 34 नंबर पे चेक कर लेते हैं क्या ट्रैक हमारी सही हो चुकी है कि नहीं। यहाँ पे ग्राउंड के साथ बीप आनी चाहिए, ये देख सकते हैं यहाँ पे वही हमारा कंटिन्यूटी सही हो चुकी है अभी एक, तो देख सकते हैं, और हमारा ये जो था एनोड की सप्लाई भी सही है। और यहाँ से अगर देखोगे तो 22 नंबर 18, 19, 20, 21, 22 नंबर भी सही है हमारी, और कैथोड पिन जो है यहाँ से ट्रैक इसका कट गया था, और यहाँ पे चूंकि ये रजिस्टर ग्राउंड के साथ सटा होता है तो बच्चे समझते हैं यहाँ पे शॉर्टिंग आ चुकी है, इसको निकाल देते हैं। ये 5 से 10 ओम्स का आता है दोस्तों, जो कि मैंने डायग्राम में आपको बताया, अच्छे से देखिए। और ये वाला हमारा फीडबैक की लाइन होती है जो कि कैथोड 1 कैथोड 2 के साथ कनेक्ट होती है। अब यहाँ पे फ्रेंड्स एक बार आपको देखना है तो यहाँ पे बैटरी वगैरह कनेक्ट करके यहाँ पे वीपीएस सप्लाई चेक कर सकते हैं, आपके वीपीएस का सप्लाई इसको मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। तो सबसे पहले हम वही काम करते हैं, एक बार वीपीएस चेक कर लेते हैं और उसके बाद हम सेट को ऑन करके भी चेक करेंगे। तो यहाँ पे कनेक्टर तो नहीं लगाया हूं मैं, सिर्फ और सिर्फ बैटरी लगाएंगे, देख सकते हैं डिस्प्ले का कनेक्टर नहीं लगाया हूं मैं, उसको ऐसे ही रखते हैं। बैटरी मैंने लगा दी है, अब हम मल्टीमीटर को डालेंगे DC20 में, वोल्टेज चेक कर लेते हैं हमारा वीपीएस वोल्टेज आईसी को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, उसके बाद कनेक्टर तक एनोड ट्रैक भी सही होनी चाहिए। तो यहाँ पे हमारा जो वीपीएस वोल्टेज आता है इसके 4 और 6 में आता है, तो एक बार मैं सुई एक बार ब्लेड लगा लेता हूँ यहाँ पर। तो चलिए यहाँ पे एक प्रोब ग्राउंड रख दिया हूँ मैं, तो यहाँ पे चेक कर लेते हैं, देख सकते हैं 4 वोल्ट तो आ रहा है यहाँ पे, एक बार क्लियर करके बताना चाहूंगा मैं कैमरा। तो 6 नंबर
इसका जो होता है VPH इन की सप्लाई होती है, वी इन की सप्लाई जो कि यहाँ पे मिल रही है, और चार पे जो होती है यहाँ पे स्विचिंग। तो यहाँ पे ये पिन अंदर जाकर चेक करा लेते हैं, तो देख सकते हैं चार में भी हमको चार वोल्टेज मिल रहा है, मतलब जब मोबाइल हमारा ऑन करेंगे यहाँ से बूस्ट वोल्टेज बनेगा, और यही वोल्टेज हमारा यहाँ पे दो नंबर पिन के साथ भी कनेक्ट होना चाहिए। तो एक बार चेक कर लेके बताना चाहूंगा मैं आपको यहाँ पे, तो देख सकते हैं एनोड का ट्रैक भी हमारा सही है, यहाँ पे भी चार वोल्टेज आ रहा है। तो चलिए एक बार ऑन करते हैं, ऑन करके देखते हैं कि हमारा मोबाइल ऑन होता है कि नहीं होता है। तो यहाँ पे डिस्प्ले लगा लेते हैं, एक बार पावर की भी कनेक्ट कर लेंगे। हाँ, एक बार मोबाइल को ऑन करके चेक कर लेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स लाइट हमारा आ चुका है, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप सारा प्रोसेस आपको बताया गया है क्या करना है कैसे करना है। प्रॉपर नॉलेज नहीं होगी तो काम जो बनने वाला है उसको आप बिगाड़ देंगे। और सेट जो है ये हमारे स्टूडेंट लेके आए हैं, लाइव अभी बैच में भी है, उन्हीं का सेट है। देख सकते हैं जैसा कि लाइट यहाँ पे आ चुकी है इसकी। तो ये एक यूनिवर्सल मेथड है जो यहाँ पे आपको सिखाया जाता है। नेक्स्ट बैच 27 मई से है, अगर आप चाहो तो आ सकते हैं, जहाँ पे आपको पूरा 20 दिन की ट्रेनिंग देते हैं। हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, इनोसी प्रोग्रामिंग, हैंड स्किल का काम सब कुछ यहाँ पे सिखाया जाता है। पूरी एक टीम होती है जो कि आपको एक प्रोफेशनल टेक्नीशियन बनाती है। एक पूरी सीरीज आ रही है हमारे चैनल पर, देखिए जितने भी फॉल्ट आते हैं आपके पास दुकान में, स्टेप बाय स्टेप हम लोग शॉर्टिंग हो या सेक्शन वाइज हो सारा सब कुछ स्टेप बाय स्टेप बता रहे हैं कि कैसे उसको रिपेयर करना है। तो वीडियो अच्छा लगा तो आप जरूर लाइक करिए, शेयर करिए और अपना प्यारा सा कमेंट जरूर दें। तो यहाँ पे हमारा लाइट का प्रॉब्लम सॉल्व हो चुका है, जैसा आप देख सकते हैं ये हमारा प्रॉब्लम जो है सॉल्व हो चुका है। तो स्टूडेंट का फोन है ये, लॉक वगैरह दल के है। तो वीडियो अच्छा लगा लाइक करिए, शेयर करिए, प्यारा सा कमेंट जरूर दें। थैंक यू वेरी मच।